हम दोनों 5 बजे वाले हैं। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो अभी हम लोग किधर कहीं जाने लगे हैं और हम लोग क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग जब मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो को करना है वॉच और बने रहने साथ साथ, मेरे साथ चलना है जहाँ मैं जा रही हूँ, आप लोगों ने भी मेरे साथ। तो चले चलते हैं, अब आया मान लो मैं, फिर मैं भी चलती हूँ। असद बाबा किधर गए? वो ना बाबा इन लोगों को जेल वाला बन लेने गए शादी बात के लिए। अच्छा, और मैं ढूंढ रही हूँ। बाय। ये देखें, मैंने कमरे की सारी लाइटें वगैरह बंद की है क्योंकि मैंने अभी बच्चों को सुलाया हुआ था और अभी बच्चे उठे हैं, तो मैंने बोला कि चलें हम लोग जाने की तैयारी करते हैं और बच्चों को नीचे भाभी के पास छोड़ देते हैं। तो मैं अहमद को देखने के लिए गेरली में जा रही हूँ और अहमद नीचे गए हैं। कहाँ गए, नज़र तो आ नहीं रहे। यहाँ पर बेकरी है सामने इस तरफ, तो यहीं पर गए होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे। चलें जब तक अहमद आते हैं, जब तक मैं बैग वगैरह पहन लेती हूँ, जूते पहन लेती हूँ और नीचे उतरती हूँ मैं भी। तो जैसे ही आएंगे अहमद तो फिर मैं चले जाऊँगी। अभी तक तो आए नहीं ये लोग। तो गाइस मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मैंने बाहर देखा भी है तो मुझे यहाँ पे अहमद नज़र नहीं आ रहे। ये देखो नीचे तो कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तो गाइस अहमद बाबा के साथ सारी बात के लिए जूस लाए। समझ आओ, क्या लाए? ये और ये जेल वाला। अच्छा, कहाँ गए थे? चले फिर मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आप आ जाए। कर लिए चेक गैस, सब चीज़ें चेक कर ली। चले चले जी, अब मैं जा रही हूँ। भाई अभी यहाँ से अहमद लेने लगे मिठाई, तो हमने बोला कहीं जाते हैं तो किसी के घर खाली हाथ तो नहीं जाते ना। कौन सी मिठाई लेंगे बोलो? आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, जो उनसी भी लेनी है। गुलाब जामुन चमचम ले लें अहमद? गुलाब जामुन चमचम ले लें, मिक्स करा लूँ दोनों। तो गुलाब जामुन चमचम ले लें, अब मिक्स ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारे को। मिक्स में ज़्यादा मैंने देखे लोग शौक से निकालते, गुलाब जामुन चमचम ले लें। चलो दोनों ले लो। सही है, चलो। जलेबियाँ बन रही हैं वहाँ पर, यहाँ पे गजरे, यहाँ पे हम लोग ये वाली मिठाई लेने लगे, गुलाब जामुन और चमचम। यहाँ पे पूरी बाजार लगी हुई है। बाजार है मत, मार्केट है ये, पूरी मार्केट है, मार्केट है ना। हम लोग आ चुके हैं सोनिया भाभी के घर पे और अहमद आज घर पहचान ही नहीं रहते। ये पौधे बड़े होगा ना? हाँ पौधे बड़े हो, घर तो मैंने अलग पहचान लिया था, वो जगह थोड़े से। हाँ, और वहाँ पे देखे मुर्गियाँ कितनी प्यारी लग रही। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सोनिया भाभी के घर, अभी बैठी हुई मिलवाती हूँ भाभी से। हेलो, किस आप करवाएंगे? सोनिया भाभी का मुँह मीठा, यहाँ पर मैं मिठाई लेकर आई हूँ। मैंने बोला भाई खुशी में इंसान जाता है तो मिठाई तो बनती है ना। और यहाँ पे देखें इंजली भी मोबाइल में लगी हुई है, सेम भी उसके साथ साथ लगा हुआ है। और यहाँ पे अहमद कहाँ है? अकेले यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे ये लोग सो रहे हैं, अम्मी लोग, वो दोनों इंजली, वो भी सो रही हैं, दोनों दादी के साथ सो रही हैं। वजह से अगर आते हैं आप भी आ जाए, कह रही हैं आ जाए अंदर, मैं छुरी लेती हूँ किचन में। भाभी छुरी है ना किचन में? छुरी है, चलें भाई मैं यहाँ से छुरी लेने के लिए आई हूँ। वो जो मिठाई का डब्बा है ना, उसके ऊपर ना उन लोगों ने टेप बड़ा टाइट लगा दिया, तो वो मेरे हाथ से नहीं खुल रहेगा। मैं ये छुरी इसलिए लेकर आई हूँ, ये देखिए ये टेप है ना, इतना टाइट लगाया ना, मैं अभी खिलाने लगी थी भाभी को, तो ये मुझसे खिलाना। देख के काटना, हाथ वाथ नहीं काट लेना भाई। कौन सा वाला खाने में?
सोनिया भाभी से पूछो ना, सोनिया भाभी बताएंगी कौन सा वाला, व्हाइट वाला सोनिया भी। चले चले माशाल्लाह, मुबारक हो आप लोगों को, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। तो अहमद का रोजा है तो अहमद को तो मैं खिलाऊंगी नहीं, हमारा मेरा भी रोजा है तो चलो सेम को खिला दो। हाँ सेम ने अपने लिए खुद से ले लिया माशाल्लाह। अंजलि अंजलि मोबाइल में लगी हुई है, सब अपने अपने पसंद, थोड़ा सा दिल भर गया। और यहाँ पे ये इतना प्यारा देखें सजाया, जब मुन्नी के घर में हुई थी ना तो मुन्नी का वेलकम किया था। मैंने वो देखा था, मैंने उसका वेलकम किया था ना यहाँ पे ये सजाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे। क्या किया था इंजली? चार नाम है माशाल्लाह भाई, अभी हमें तो एक नाम तो पता लग गया, दूसरा क्या? एक तो रूज रखा ये तो आपने कौन सा नाम रखा है? और मम्मा ने अरूज, और बाबा ने गुनगुन। हाँ उनकी पहली वीडियो में मैंने गुनगुन ही सुना था। और नाज ने क्या रख दिया? मैंने रख दिया मैना। मैना उसने उसने चिड़िया रख दी, गुनगुन रख दी, तो मैना भी क्यों बचा? चिड़िया मेरी अम्मी ने रखा। अच्छा तो अभी छोटी सी ना इसलिए बोल रही हूँ, बाकी तो मम्मा ने इसका नाम अरूज ही रखा है ना। माशाल्लाह अच्छी बात है ना। तो भाभी के भी मेरी तरह पांच बच्चे हैं माशाल्लाह, हम दोनों पांच बच्चे वाले हैं। और हम दोनों को पता भाई कितनी मुश्किल होती है, भाभी बच्चे कितना तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। हमारे वो दो छोटे बिड्डे जो है वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे अभी इनकी चलो भाई उसकी मुंह दिखाई निकाले, मामा नहीं खुली मेरे पास है लेकिन बैग में ही, आप निकाले। अच्छा वीडियो में नहीं दिखाओ, आप ऐसे ही दे दो ना, वीडियो में नहीं दिखाओ क्योंकि मुंह से जरा सी बकते सबसे ज्यादा। चलो भाई जा, और ये मैं किचन में रख देती हूँ। भाभी का तो मिठाई खा खा के दिल भरा हुआ है। भाभी किचन में रखो, फ्रिज में रखनी है? यहाँ से मैं हाथ धो देता हूँ। गोपाल भाई गए हुए किसी काम से, सोनिया भाभी बोल रही हैं अभी वो आने वाले, और ये मैं, और ये देखें धूप कितनी हो रही है यहाँ पे। और अब वैसे भी गर्मी हो गई है, बढ़ गई है तो धूप होने लगेगी। चलते हैं अंदर। और अम्मी दोबारा सो गई है, देखो अम्मी बोली मैं मुँह धोकर आ रही हूँ, वो सो गई। क्या बोल रहे हो? एक भी बोल जाता कुछ चेंचे करके चला गया। पापा बता के नहीं गए, तो बता कर नहीं गए कहाँ गए? वो भी काम से ही गए होंगे ना। तो माशाल्लाह मैंने मुन्नी को देखा है, मुन्नी बिल्कुल सोनिया भाभी बहुत प्यारा लगा है, और बहुत प्यारी माशाल्लाह मुन्नी है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर है। अल्लाह पाक से आप सब लोग दुआ करें भाई मुन्नी हमारी सही हो जाए, मतलब वो देखो दोनों हमारे बच्चे। तो भाई वो तो एक मजबूरी है ना, अगर तबीयत इंसान की ख़राब है फिर तो मजबूरी है, ज़िंदगी दे। हाँ ज़रूर, और वैसे अभी आप रख भी नहीं सकते, आपकी डिलीवरी हुई है। हाँ और अहमद को देखें, जब से रमज़ान शुरू हुए ना बताए सिर्फ 3 या 4 सेरी की होगी, बाकी बगैर सेरी की। और ये आज भी इनका बगैर सहरी का रोज़ है, बस है आज भी इनका बगैर सहरी का रोज़ है। वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों को रात में हम लोग जागे हुए थे कि गैस आए गैस आए, हम गैस का इंतज़ार करते करते जिस टाइम हमारी आंख बंद हुई है ना तो फिर हम फजर के बाद ही उठे, फिर हम रोज़ा तो छोड़ते नहीं। हमारी तरफ ना कभी सहरी के बाद आती, कभी सहरी से पहले आती है, समझ में। बच्चों के लिए भी बाहर से लेकर आना पड़ता है।
इतना ज़्यादा बाहर से ले लेके जो हम लोग परेशान हो गए गैस की वजह से, सिर्फ गैस बहुत जाती है। हाँ अभी आप अपने काम में लगेंगी ना। भाभी को तो चले जी, अभी हम लोग भी जाने लगे थे। थैंक यू सो मच, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलते हैं, मैं बैठी हुई थी, मेरे खाना वाना बनाने के बच्चों को खुशी भेजने लगी। ऐसी बात है तो आप लोग सब दुआ जरूर करिएगा भाई, हमारी मम्मी को अल्लाह सेहत वाली जिंदगी। हाँ आमीन आमीन। हाँ बस मुन्नी आ गई है तो माशाल्लाह सोनिया भाभी खुश हो गई है माशाल्लाह, टेंशन खत्म हो गई है। बिल्कुल बच्चे सही होते हैं ना तो माँ बाप सही होते हैं, और बच्चों को अगर घर से भी कुछ होता है पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे ही होता है ना भाभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं क्योंकि रमजान का टाइम है, तो रोजे का टाइम भी होने वाला है, तो हम लोग भी चलेंगे। रोजा रखा है अभी, हम लोग जल्दी से जाएंगे क्योंकि हमें घर में जाकर तैयारी करनी है। बिल्कुल सही है सोनी भाभी, फिर इजाज़त दे हमारे को भी। ठीक है।